अगर आपका YouTube चैनल है तो आपने अपने YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर बनाई हुई होगी। कई बार होता है हमें अपनी प्लेलिस्ट को प्राइवेट करना पड़ जाता है या फिर प्राइवेट है उसे हमें पब्लिश करना पड़ता है, लेकिन कई बार नए यूट्यूबर्स को ये नहीं पता होता कि वे अपनी प्लेलिस्ट को किस तरीके से प्राइवेट कर सकते हैं या फिर पहले से ही प्राइवेट की हुई है तो उसे आप पब्लिक कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल की किसी भी प्लेलिस्ट को किस तरीके से प्राइवेट कर सकते हैं या फिर पहले से ही प्राइवेट है उसे आप पब्लिक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत वीर, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब थिंक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं किस तरीके से हम अपने चैनल की किसी भी प्लेलिस्ट को प्राइवेट कर सकते हैं या फिर प्राइवेट को पब्लिक कर सकते हैं। अपने YouTube चैनल की किसी भी प्लेलिस्ट को पब्लिक या प्राइवेट करने के लिए पहले हमें अपने YouTube चैनल से लॉगिन करना होगा। मैंने अभी यहाँ पे अपने डमी अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। मैं अभी यहाँ पे कंप्यूटर से कर रहा हूँ, अगर आप मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और उसके बाद उसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेंगे। अपने चैनल से लॉगिन करने के बाद हम अपने यूट्यूब चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन है, डैशबोर्ड, कंटेंट और प्लेलिस्ट। तो हम प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आपको जिस प्लेलिस्ट को भी प्राइवेट या पब्लिक करना है, आप कर्सर लेकर के यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नए विंडो में एक नया पेज ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का नाम दिखाई दे रहा है, उसके नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पब्लिक। ठीक है, अभी हमारी ये प्लेलिस्ट पब्लिक है, यानी इसके अंदर जितनी भी वीडियो होंगी उसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अभी हमें अपनी इस प्लेलिस्ट को प्राइवेट करना है, तो प्राइवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर देखो पब्लिक लिखा है उसके आगे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये तीन ऑप्शन खुल जाएंगे, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। अभी हमें अपनी इस प्लेलिस्ट को प्राइवेट करना है तो हम यहाँ प्राइवेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो ये प्लेलिस्ट है वो प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं तो वापस हम प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी देखो ये पब्लिक दिखाई दे रहा है, एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब हमारी ये प्लेलिस्ट जो है प्राइवेट हो गई है, यानी इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियो होंगी उसे सिर्फ हम देख सकते हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। अब आपको इसे वापस पब्लिक करना है तो पब्लिक करने के लिए वापस सेम वही करेंगे, आप यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने फिर वही पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे प्राइवेट है, ठीक है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, वापस पब्लिक पे क्लिक कर दीजिए, अब आपकी जो ये प्लेलिस्ट है फिर से पब्लिक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी यूट्यूब चैनल की किसी भी प्लेलिस्ट को पब्लिक और प्राइवेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।